गुड आफ्टरनून। टुडे वी डिस्कस अबाउट द अबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। अबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन इट मींस कि जो यूट्रस है इसके अंदर जो इसका कॉन्ट्रैक्शंस के जो फीचर्स रहते हैं इसके अंदर एनी डेविएशन होता है तो उसको बोलते हैं अबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। अबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन से पहले वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर थ्री फीचर्स बताए गए हैं। फर्स्ट होता है पॉलरिटी ऑफ यूट्रस, इट मींस कि जब अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट टू पार्ट होते हैं यूट्रस के, अपर सेगमेंट के अंदर फंडस और बॉडी वाला पार्ट आता है और लोअर सेगमेंट के अंदर स्टमस और सर्विक्स वाला पार्ट आएगा। कि जब अपर सेगमेंट के अंदर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो लोअर सेगमेंट है वह रहना चाहिए रिलैक्स, और जब कॉन्ट्रैक्शन लोअर सेगमेंट की तरफ रहे तो अपर सेगमेंट होना चाहिए रिलैक्स। नेक्स्ट होता है पेसमेकर। तो यूट्रस के अंदर जो कॉर्नर ऑफ द यूट्रस रहते हैं यहाँ पे टू पेसमेकर रहते हैं। इन पेसमेकर का जो वर्क होता है वह है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करना, जनरेट करना। उसके बाद ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने के बाद उसको लोअर साइड की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड पॉइंट है पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न, जो मेनली पैटर्न जो है, जो इसकी इंटेंसिटी या जो इसका ड्यूरेशन है वह अपर सेगमेंट के अंदर ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद ये धीरे से लोअर सेगमेंट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। लोअर सेगमेंट की तरफ जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफ़र होता है तो इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कंपैरिजन टू अपर पार्ट कम रहेगी। नेक्स्ट कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए क्या फीचर्स होना चाहिए। तो फर्स्ट होता है बेसल टोन। बेसल टोन जो है ये रहती है 5 to 20 mmHg। एक रहता है पीक प्रेशर, जो मैक्सिमम जो रहेगा वह रहता है अराउंड 60 mmHg प्रेशर रहना चाहिए। ये जो बेसल टोन के अंदर और पीक प्रेशर के अंदर जो प्रेशर है ये मेनली इंट्रा यूटेराइन प्रेशर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का है कि नॉर्मल 3 मिनट के अंदर 1 uterine कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए और वो लास्टिंग रहना चाहिए 45 सेकेंड में। और नॉर्मल जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है यह लेबर जब स्टार्ट होता है तब क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का नंबर कम रहता है, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन शॉर्ट रहेगा और इंटरवल ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है हम लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है उसको भी 2 में डिवाइड कर रखा है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो जब वुमन एक्टिव फेज में आती है लेबर की और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आएगी तब क्या रहेगा, इसका इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन इसका इंटरवल जो है वह अकॉर्डिंग टू टाइम कम होता रहेगा। नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन। डेफिनेशन जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का, उसके अंदर अगर कोई डेविएशन आता है तो उस टाइप के लेबर को बोलते हैं अबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अफेक्टिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ लेबर इज डिजाइंड एज अबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया, इट मीन्स क्या होता है कि जो नॉर्मल पैटर्न बता रखा है जिसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के जो फीचर है रेगुलरिटी का, पॉलरिटी का, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन का, जो नॉर्मल पैटर्न जो बता रखा है अगर उनमें डेविएशन आता है, उनमें चेंजेस आता है,
तो उस टाइप के लेबर को बोलते हैं अबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से नॉर्मल लेबर का जो कोर्स होएगा उसके ऊपर इफेक्ट डेवलप होता है, मतलब प्रॉपरली जो लेबर प्रोसेस है वह कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इंसिडेंस, तो इंसिडेंस के अंदर अपन बात करते हैं कि ऑल ओवर लेबर अबनॉर्मलिटीज अकरिंग 25% इन नलीपेरस वुमेन एंड 10% इन मल्टीपेरस वुमेन। नाउ वी कम ऑन एक्सेसिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कि एक्सेसिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। फर्स्ट होता है पॉलीसिस्टोल। पॉलीसिस्टोल के अंदर क्या होता है, यूट्रस की जो टॉनिसिटी है वह इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन मोर देन वंस एवरी 2 मिनट, कि जो नॉर्मल जो 2 मिनट है, 2 मिनट है उसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक से ज़्यादा है, तब उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोल। फिर नेक्स्ट होता है हाइपर स्टिमुलेशन। हाइपर स्टिमुलेशन इट मीन्स कि जो ऑक्सीटोसिन के लिए यूटेराइन मसल्स जो रहेगी या ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो है वह ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। इट मीन्स स्टिमुलेशन उसका अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करते हैं तो नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा मायोमेट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है। नेक्स्ट होता है टिटेनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। टिटेनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन आता है लास्टिंग फॉर मोर देन 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर केवल एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं टिटेनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मेनली इस फेज के अंदर यूटेराइन मसल्स जो है वह रिट्रैक्शन की तरफ चले जाती है। नेक्स्ट होता है हाइपर टॉनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। हाइपर टॉनिक इसके अंदर यूट्रस की जो टॉनिसिटी है वह इंक्रीज हो जाती है। इट मींस कि जो यूट्रस का इंट्रा यूटेराइन प्रेशर है वह इंक्रीज हो जाता है। एलिवेटेड बेस लाइन प्रेशर अबव 20 mmHg, उसको अपन कहते हैं हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वी कम ऑन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो फैक्टर्स है वह है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा में क्या होता है कि जो मसल स्टोन है वह प्रॉपर डेवलप नहीं होती है या उसका लॉस हो जाता है, इसलिए बोलते हैं एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। सेकंड प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, जब जस्टेशनल वीक 37 या 42 वीक ऑफ जस्टेशन से भी ज़्यादा टाइम चला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। फिर नेक्स्ट होता है ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस में क्या होता है, यूटेराइन मसल्स जो है वो अपने जो नॉर्मल जितना उसका लेवल होता है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंट हो गई है। डिस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस का जो उसका पावर है वह कम हो जाता है, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड के अंदर। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब कि जो नॉर्मल पेल्विस है उसके अंदर पेल्विस के इनलेट कैविटी या आउटलेट, बेसिकली इनलेट का डायमीटर्स जो रहेगा, जो उनके इनलेट्स के जो डायमीटर्स है वह कम रहते हैं, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिकल व्यू से इतना कम रहता है कि नॉर्मल जो बेबी है वह पेल्विस से बाहर निकल नहीं पाता, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन इट मीन्स वर्टेक्स जो प्रेजेंटेशन है उसके अदर देन अगर कोई प्रेजेंटेशन होता है तो उसको बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। ये जो है जो पैसेंजर है फीटस उसकी रीजन रहता है कि वह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं देता। माल प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में क्या होता है कि जो फीटस है वह अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन रेस्पॉन्स नहीं करता, इसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते एंड सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वह भी इफेक्ट
डालता है। फिर नेक्स्ट होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लोअर तक ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट इमोशनल फैक्टर्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है वह प्रॉपरली नहीं होता, इसकी वजह से डायरेक्टली मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कम रहेगा। नेक्स्ट होता है इंजूरियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव, एनाल्जेसिक एंड ऑक्सीटॉक्सिक्स, अगर इनका मेडिसिन का प्रॉपरली यूज़ नहीं होता ढंग से, अगर सेडेटिव दे देते हैं, एनाल्जेसिक दे देते हैं, तब क्या होगा, मसल्स रिलैक्सेंट फेज में चले जाती है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन वाला टाइम आता है तो वह प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। नेक्स्ट वी कम ऑन क्लासिफिकेशन। अबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन जो है वो बेसिकली टू के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट होता है नॉर्मल पॉलरिटी और सेकंड होता है अबनॉर्मल पॉलरिटी। फर्स्ट नॉर्मल पॉलरिटी, नॉर्मल पॉलरिटी के अंदर क्या आता है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इट मींस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसकी टोनिसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंट्रा यूटेराइन प्रेशर जो है वह इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मींस इंट्रा यूटेराइन प्रेशर कम हो जाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जो क्वांटिटी है वह भी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है यूटेराइन इनर्सिया। यूटेराइन इनर्सिया का मतलब क्या होगा, इसके अंदर इसकी इंटेंसिटी जो है वो डायमंड हो जाती है, ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है और गुड रिलैक्सेशन बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में इंटरवल जो रहेगा बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन वह भी इंक्रीज हो जाएगा। ये फीचर्स होते हैं यूटेराइन इनर्सिया का। नेक्स्ट अपन आते हैं, इसी को वापस डिवाइड करा है, हाइपरटोनिक जो पार्ट है उसको परसिप्टेट लेबर और टॉनिक यूटेराइन, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन रिंग के अंदर। परसिप्टेट लेबर का मतलब होता है कि जो लेबर की जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज कंबाइन कर देते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वह लेस देन 3 आवर्स होता है। इस टाइप के जो लेबर रहेगा उसको बोलते हैं परसिप्टेट लेबर। और इसके अंदर क्या होगा कि जो कंस्यूम प्रोडक्ट है और प्लेजेंटा है उसका रैपिड एक्सपल्सन होता है। नेक्स्ट वी कम ऑन टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन रिंग। टॉनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो रहेगा मेनली ये जो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से डेवलप होती है। इसके अंदर एक सर्कुलर ग्रूव बन जाती है एंड सर्कलिंग द यूट्रस इज फॉर्म बिटवीन द एक्टिव अपर सेगमेंट एंड डिस्टेंडेड लोअर सेगमेंट। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अबनॉर्मल पॉलरिटी। अबनॉर्मल पॉलरिटी जो रहेगी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट रहता है स्पास्टिक लोअर सेगमेंट। स्पास्टिक लोअर सेगमेंट के अंदर जो फंडल डोमिनेंस है, इसकी फंडल डोमिनेंस वाले पार्ट के अंदर जो है पेसमेकर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा या वह प्रॉपरली रिथमिक वर्क नहीं करता, और साथ में जो इसका जो लोअर सेगमेंट है उसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रोंगर आते हैं। साथ में जो इसका जो अपर सेगमेंट है वहाँ पर यूटेराइन सेगमेंट क्या रहेंगे, कम रहेंगे या एब्सेंट रहेंगे, और जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रजेंट रहेंगे, और साथ में कॉन्ट्रैक्शन के बीच में इनएडुकेट रिलैक्सेशन इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन वाला फीचर्स भी प्रजेंट रहेगा, और बेसल टोन जो है इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है अबव 20 mmHg। फिर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉलिकी यूट्रस। कॉलिकी यूट्रस के अंदर क्या रहता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर भी अपर एंड लोअर सेगमेंट्स जो है वह प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं होता है,
पेन का डेविएशंस जो है वह अबनॉर्मल होता है और इसके अंदर यूटेराइन टॉनिसिटी जो है वह इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रिंग। कंस्ट्रक्शन रिंग जो होती है मेनली सिचुएटेड रहेगी जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर सेगमेंट अराउंड ए कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ फीटस। मेनली ये जो नेक रहेगी उसके ऊपर रहेगी और ये जो है ऑल स्टेज ऑफ लेबर के अंदर रहेगी और ये रिवर्सिबल भी रहती है। फिर अपन डिस्कस करते हैं टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्टिव अपर सेगमेंट एंड द पैसिव लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। इसके अंदर पूरा का पूरा जो यूट्रस है वह टॉनिसिटी के अंदर चला जाता है। इट मीन्स एक साथ पूरा का पूरा यूट्रस जो रहेगा वह मस्कुलर स्पास्म हो जाएगा। समझ में आया, जैसे अपर एंड लोअर सेगमेंट की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं तब जब कॉन्ट्रैक्शन मूव करता है तो पहले अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पास्म होता है, फिर वह रिलैक्स होता है और लोअर सेगमेंट इसके अंदर क्या रहेगा, स्पास्म होता है और अपर वाला रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये इसके अंदर फीचर्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा यूट्रस एक साथ ही कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सर्वाइकल डिस्टोसिया। सर्वाइकल डिस्टोसिया के अंदर जो सर्विक्स है उसका फुल्ली डायलिटेशन क्या रहता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, या तो इसके पीछे रीजन रहता है इनएफिशिएंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन हो या स्पास्म ऑफ सर्विक्स हो। नेक्स्ट वी डायरेक्टली कम ऑन परसिप्टेट लेबर। परसिप्टेट लेबर का मतलब क्या होता है कि जब लेबर का जो ड्यूरेशन है वह मेनली जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वह लेस देन 2 आवर्स होता है, इसको बोलते हैं परसिप्टेट लेबर। कॉमनली जो है ये मल्टी पैरा के अंदर रहेगा और इसके लिए जो मेन रीजन है वह 2 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट जो रहता है हाइपर एक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के जो नंबर है वह इसके अंदर इंक्रीज्ड है और साथ में डायमेंस्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस, जो भी बर्थ कैनाल के अंदर सॉफ्ट टिश्यू जो है रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं वह इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है या कम क्वांटिटी के अंदर रहेंगे। तो क्या होगा, एक तो कॉन्ट्रक्शन का फोर्स और पावर प्रॉपरली है और पाथवे क्लियर है तो पैसेंजर जो है वह इजीली बाहर आउट हो जाता है बर्थ कैनाल से। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। इसके अंदर मैटरनल रिस्क फैक्टर फर्स्ट वी डिस्क्राइब। इसके अंदर फर्स्ट जो रहता है एक्सटेंसिव लेसिरेशन ऑफ सर्विक्स वजाइना पेरिनियम, कंटिन्यू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो क्या होगा, जो भी जो फीटस पार्ट रहता है उसके बाहर निकलने के कारण क्या रहेगा, जो पाथवे है उसके अंदर लेसिरेशन डेवलप हो जाता है सर्विक्स और वजाइना और पेरिनियम के अंदर और कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स भी इसका कारण रहता है। फिर नेक्स्ट होता है पीपीएच ड्यू टू सब्सिक्वेंट यूटेराइन हाइपोटोनिया। बाद में डिलीवरी के बाद क्या होता है, यूट्रस जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर चला जाता है, मतलब कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली अपनी फेज कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, रिलैक्सेशन 3 फेज के अंदर नॉर्मल मसल्स जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिट्रैक्शन आ जाता है, फिर उसके बाद वापस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन और मैक्सिमम जो लास्ट वाला टाइम रहता है उसके अंदर रिट्रैक्शन फेज ज़्यादा रहती है, तब वहाँ पे जो वेसल्स रहेगी वह ओपन रह जाती है और पीपीएस होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट होता है इनवर्सन। इनवर्सन मतलब यूट्रस जो है वो बैक कंप्लीट बाहर आने के चांसेस भी रहता है, फंडस वाले पार्ट से वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट और लोअर यूटेराइन सेगमेंट से आउटर साइड में आ जाता है। नेक्स्ट होता है यूटेराइन रप्चर। यूट्रस का जो इंटीग्रिटी है
वह ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है क्योंकि पीपीएस वाला जो रीजन रहेगा। नेक्स्ट होता है अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो अमनियोटिक फ्लूइड है वह ओपन वेसल्स के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चली जाती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप करेगी। नेक्स्ट वी कम ऑन फीटस। फीटस को क्या क्या रिस्क रहती है? फर्स्ट रहती है इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस एंड हेमरेज। फिर नेक्स्ट होता है डायरेक्ट हिट ऑन द स्कल। नेक्स्ट ब्लीडिंग फ्रॉम टॉर्न कॉर्ड। इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस को रहेगा कंटिन्यू जो है इसके अंदर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फीटस को कहीं पे रुकना नहीं है, कंटिन्यू उसके अंदर वो फोर्स की वजह से बाहर आउट होता रहता है। ठीक है, इसलिए फीटस को मोल्डिंग होने का, फीटस का जो हेड रहता है उसको मोल्डिंग होने का भी टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट डायरेक्ट हिट ऑन द स्कल जो है वे है पास जिसको पासिस बोलते हैं उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के भी चांसेस डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट जो है पेशेंट विद प्रायर हिस्ट्री शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड प्रायर टू लेबर। इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर बाय लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन टू बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि वैसे ही हाइपर टॉनिसिटी ऑफ यूट्रस है और ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांसेस इसके अंदर रहेंगे। फिर ड्यूरिंग लेबर द कॉन्ट्रैक्शन मे बी सप्रेस्ड विथ ईथर और मैग्नीशियम सल्फेट। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो हम हेल्प ऑफ ईथर और मैग्नीशियम सल्फेट से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिबरल एपिजोटॉमी। एपिजोटॉमी करनी है जिससे जो पेरिनियल लेसिरेशन है, सर्वाइकल लेसिरेशन है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल डिलीवरी, जो डिलीवरी का मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करना है, कंट्रोल करना है, जो बेबी जैसे बाहर आता है तो उसको प्रॉपरली होल्ड करना है और स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। इसकी वजह से डेवलप होती है बैंडल रिंग। ये एक पैथोलॉजिकल फीचर्स है ना, पैथोलॉजी ऑफ एनाटमी ऑफ यूट्रस है। इसके अंदर क्या होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, उसकी इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी विथ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, तो कंटिन्यू उसकी वजह से रिट्रैक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। इससे क्या रहेगा प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड इलोंगेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में से जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है उसके अंदर थिननेस डेवलप होगी और साथ में इलोंगेशंस आएगा। फिर इससे क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलर ग्रूव बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट कॉल्ड बैंडल रिंग। जो एक बैंडल रिंग डेवलप होती है सर्कुलर रहती है, जो है जैसे कि अपना वर्टेक्स अगर प्रेजेंटेशन है तब क्या होगा जो उसकी नेप जो नेक वाला पार्ट जो रहेगा उसके अंदर एक रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर है कि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की तरफ आ रहा है, उस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को लोअर सेगमेंट की तरफ वह प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। तो क्या होगा कि जहाँ पे अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट जुड़ते हैं इट मीन्स इस्थमस वाले जो पार्ट रहेगा वहाँ पे जो मसल्स है ये कंटिन्यू वहाँ पे कलेक्ट होके एक थिक पार्ट डेवलप करती है। इसकी थिकनेस कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाती है और लोअर सेगमेंट तक कॉन्ट्रैक्शन पहुंच नहीं रहा है तो वो पार्ट क्या है थिन है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ
बैंडल रिंग, क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट इज एंजियस लुकिंग, फीचर्स ऑफ एग्जॉशन एंड कीटो एसिडोसिस, कंटिन्यू इसके अंदर मेटाबॉलिक जो रहेगा हाइपोक्सिक चेंजेस रहेंगे, इसीलिए कीटो एसिडोसिस डेवलप रहेगा. अपर यूटेराइन सेगमेंट इज टेंडर एंड हार्ड और लोअर यूटेराइन सेगमेंट डिस्टेंडेड एंड टेंडर. ग्रुप इज सीन बिटवीन द टू पार्ट, अपर एंड लोअर सेगमेंट के बीच में ग्रुप दिखेगी. नेक्स्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अंदर है फर्स्ट करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटो एसिडोसिस, एडुकेट पेन रिलीफ, पेरेंट्रल एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट एक्सक्लूड रप्चर ऑफ यूट्रस, जो कोई फीचर्स है रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है तो उसके लिए क्या करना है, सिजेरियन डिलीवरी करके प्रिवेंट करना है. नाउ कंप्लीट माई टॉपिक, थैंक यू.